सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कस्टम रूम के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो जब हम पबजी इनिशिएट को ओपन करते हैं तो लॉबी में राइट साइड ऊपर कॉर्नर पर 3 डॉट पर क्लिक करते ही नीचे हमें कस्टम मैच का ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड कस्टम मैच का जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो कस्टम मैच गाइस आप लोगों को कस्टम रूम ही है, जो कि आपको BGMI में देखने को मिलता है, पबजी मोबाइल में देखने को मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पर आपको कस्टम मैच देखने को मिलता है। और पबजी इनिशिएट की कस्टम मैच पे अगर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपसे एक कार्ड मांगा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताऊँ तो जैसे कि BGMI में रूम कार्ड है, और रूम कार्ड की मदद से ही हम कस्टम रूम एंजॉय कर पाते हैं। और BGMI में हम लोग बहुत सारे मैप, बहुत सारे मोड जो भी लगाने होते हैं वो हम लोग कस्टम मैच में लगा सकते हैं। सोलो, डुओ, स्क्वाड जो भी चूज करने रहते हैं हम वो कर सकते हैं। लेकिन दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जैसे BGMI में हमें देखने को मिल रहा है कस्टम मैच, वैसे क्या हमें पबजी इनिशिएट में देखने को मिलेगा आपको? तो जी हाँ दोस्तों, काफी हद तक आपको सेम देखने को मिलेगा। जैसे कि पबजी इनिशिएट में 3 मोड्स हैं, इरंगल, ट्रॉय मैप और स्टेशन TDM। इन्हीं तीनों मोड को जो है आप सिलेक्ट कर आप रूम को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन कुछ हद तक जो है आपको नेम चेंज देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया पबजी इनिशिएट के कस्टम मैच के बारे में, यानी बोले तो कस्टम रूम के बारे में। पबजी इनिशिएट की वीडियो बहुत सारी आने वाली है फ्यूचर में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।